A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Ziva Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying transformation of sentences part 1. Okay, transformation में वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं. No sooner, hardly, had होता है. Only, if, but also होता है. Not only, but also होता है. और बहुत सारे simple, complex sentences होते हैं. तो अभी हम लोग उसका सिर्फ एक part पढ़ेंगे. That is two and so that का removal. ठीक, तो यही हम लोग इसमें अभी के लिए यही पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग, एक बेसिक पहले हम इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हम लोग क्या आज करने वाले हैं इसमें. देखो, व्हाट थिंग इज देयर कि एक काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. देयर इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस जिसको नॉर्मली हम लोग, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, द न्यूज इज टू गुड. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स में, ये एग्जाम पेपर्स में बहुत सारे आते हैं. द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ये एक आपको सेंटेंस मिलता है. और समटाइम्स आपको लिखा जाता है कि यू हैव टू यूज सो दैट. ठीक, सो दैट मतलब आपको डायरेक्शंस दिए होते हैं कि आपको सो दैट यूज करना है या फिर इसको नेगेटिव में चेंज करना है. ओके, नाउ दिस इज, अभी इसमें कहीं से नहीं पता चल रहा है क्योंकि है ये नेगेटिव सेंटेंस ही, बट इसमें कहीं नेगेटिव निगेशन का कहीं यूज नहीं हुआ है. यहाँ पर किसका यूज हुआ है? टू एंड टू का. तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. बट क्या कहा गया है कि इफ यू हैव टू यूज सो दैट, या इसको नेगेटिव में चेंज करना है या आपको रिमूव करना है टू एंड टू को. अगर सॉरी सिंगल टू, अगर आपको टू एंड टू को रिमूव करना है तब आप इसमें क्या करोगे? वट वी विल डू, हाउ इट विल बी रिटन एज द न्यूज इज टू गुड है, तो इट विल बी रिटन एज सो गुड दैट. टू की जगह पर क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा, दैट इट कैन नॉट. ठीक, क्यों? क्योंकि दिस इज ऑलवेज इन द नेगेटिव फॉर्म. ये जो सेंटेंस है ये हमेशा आपका नेगेटिव में जाता है. टू एंड टू का मतलब ही नेगेटिव होता है कि वो इतनी अच्छी है कि वो सच नहीं हो सकती. तो इसीलिए द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू. ओके, ये आपका पार्ट है. इसमें वैसे ही हम लोग आज जो बाकी सेंटेंसेस हैं उनको हम वैसे ही इसमें सॉल्व करेंगे. जैसे सी दीज आर द, दिस इज अ पार्ट. इसमें जैसे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ सेंटेंसेस, दिस पार्ट वन. बहुत सारे पार्ट हम लोग इसके करेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग हेयर इज रिमूवल ऑफ द एडवर्ब टू. कैसे? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. ठीक, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू. बस इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना कि वेन एवर इज लगा हुआ है, यू विल हेयर ऑल्सो यू विल यूज इट एज कैन नॉट. बट अगर कभी भी यहाँ पर वॉज लिखा है तो वॉज किस में चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इन टू कुड नॉट. ओके, द थीफ रैन टू फास्ट टू कैच फॉर द पुलिस टू कैच. द थीफ रैन सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट. क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? रैन है. रैन इज अ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस ऑफ किसका पास्ट टेंस है? ये रन का. ठीक, और इसीलिए इसमें लिखा है द थीफ रैन सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट कैच हिम. अभी हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे. एक्सरसाइज करेंगे, दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आप लोग करेंगे सॉल्व. द प्रीवियस ईयर के सेंटेंसेस हैं इसमें. द टी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक. अब ये भी यहाँ पर कैसे? पास्ट टेंस में. तो हाउ इट विल बी रिटन? टी वैसे ही लिखा जाएगा. द टी वॉज सो हॉट. टू हॉट कैसे चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इन टू सो हॉट दैट इट कुड नॉट, आई कुड नॉट ड्रिंक इट. या फिर द टी वॉज सो हॉट that it could not be drunk. क्योंकि be is an active passive का ये part है, तो be के साथ हमेशा क्या लगेगा? मतलब ये आपका passive form है, तो passive में हमेशा drink का कौन सा part लगता है? Third form of verb लगता है. ठीक है, और इसका third form क्या होता है? drunk. तो वही चीज यहाँ पे लिखिए. The bag was too heavy for me to lift. That bag was so heavy that I could not lift it. या फिर इसी को ही एक और तरीके से आप लिख सकते हो. The bag was so heavy that it could
नॉट बी लिफ्टेड, ठीक है। बी के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक पैसिव सेंटेंस है। फिर क्या कहा गया, नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट क्या है, ही स्पोक टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। उसने कैसे बोला है, ही स्पोक टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, ही स्पोक सो फास्ट दैट ही कुड नॉट बी अंडरस्टूड, कि उसको नहीं समझा जा पाया था। ओके, नाउ आफ्टर दीज ऑल दीज थिंग्स अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले इसको हम जरा क्लीन कर दें, नहीं तो ये स्क्रॉल हो जाएगा साथ में। देन वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस। सबसे पहले इसमें लिखी हुई है, हमने इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं, टू एंड टू से आप पहले इसको चेंज करोगे सो दैट में, लाइक ये वाला जो पार्ट है इसके चारों पार्ट्स ये जो है, हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, टू एंड टू है, तो यहां पर आपको इसको टू एंड टू से चेंज करके यू हैव टू ब्रिंग इट इन टू सो दैट। ठीक, ये फोर हम करेंगे, नेक्स्ट फोर हम करेंगे, और उसके बाद वाले एक्सरसाइज हम आपको देंगे एज अ होमवर्क, और जो आप हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके दोगे वो आपके प्रीवियस ईयर वाले, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। क्या लिखा है, द रैट वॉज टू टिमिड। टिमिड कौन होते हैं, वेरी वीक। कुछ दिन में हम वोकैबुलरी भी शुरू करेंगे। द रैट वॉज टू टिमिड टू कम नियर द लॉयन। द रैट वॉज, ये सेम रहेगा ठीक, टू विल चेंज नाउ, वॉज सो टिमिड दैट, अब टू हट जाएगा यहां से, ये और ये हट जाएगा, तो द रैट वॉज सो टिमिड दैट ही वॉज लगाए तो cannot will change into could not, sorry it लगेगा यहां पर, that it could not, इसको हटा दें हम पहले यहां से, that it could not come near the lion, ठीक। फिर next होता है क्या लिखा हुआ इसमें, the rat was so timid That, आपको क्या करना है, सो दैट का यूज करना है। द रैट वॉज सो टिमिड, सो टिमिड दैट इट कुड नॉट कम नियर द लॉयन। देखो हम लोग एनिमल्स में, ये भी ज्ञान भरी बात है, इसको भी रख लो अपने पास, हम लोग एनिमल्स में हमेशा इट यूज करते हैं। कब नहीं यूज करते हैं इट को, इट की जगह पर ही या शी का यूज कब करते हैं, पहली बार जब उसका नेम दिया गया होता है, मतलब ऑलरेडी एक नेम दिया है, जैसे रैट को अगर हम लोग किसी जेरी के नाम से बुलाएं तब हम लोग उसको क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे, या फिर इट इज नोन टू द स्पीकर, स्पीकर उस पर्टिकुलर पेट को या एनिमल को जानता है, ठीक है, तब हम लोग उसमें ही या शी का यूज करेंगे, नहीं तो उसमें इट ही यूज होगा। देन He speaks too low to be heard. Now again, two and two is there and it will be removed. तो कैसे लिखेंगे? He speaks. जब हम पढ़ा रहे होते हैं, आप अपने साथ जैसे sentence पढ़ो, तुरंत उसको अपने पास solve कर लो, so that जब हम आपको solve करके दे, तो आप अपने answers check कर लो. He speaks so low that to be heard ना, तो that he cannot. Cannot होगा, could not नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर present tense है, तो he cannot be heard, okay? Then next is he talks too fast to be easily followed, he talks too fast, then again this is too, double हुआ ये typing mistake, he talks so fast that he cannot be easily, okay, जितना लिखा हुआ है आप उसको लिखोगे, द लिखा है द लिखो, ही शी जो भी लिखा है उसको मेंशन करोगे, cannot be easily followed, and then comes the last one, सबसे लास्ट वाला क्या है, last night it was too hot to sleep, अब जैसे ये शुरू है हम इसको वैसे ही शुरू करेंगे, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लास्ट नाइट इट वॉज टू हॉट टू स्लीप, तो लास्ट नाइट इट वॉज सो, सॉरी, इट वॉज सो हॉट दैट, इट वॉज टू हॉट टू स्लीप,
इट वॉज सो हॉट दैट वी कुड नॉट स्लीप, कुड नॉट स्लीप. या फिर ये भी इसमें लिख सकते हो दैट लास्ट नाइट इज इट वॉज सो हॉट. हाँ यही वाला, यही सो हॉट टू बी स्लेप्ट, सो हॉट टू बी स्लेप्ट, ये भी इसमें लिखा जा सकता है. वैसे इसमें यही चीज रहेगी, सो एंड दैट ऐसे ही करके इसमें लिखा जाएगा. आई होप इतना समझ में आ गया. अब हम लोग कौन सा इसका करेंगे, अभी तक हम लोग ने टू एंड टू किया था, टू एंड टू से सो दैट किया था, अब हम लोग सो दैट से उसको टू एंड टू में हटाएंगे. पहले हम इन सबको हटा दें यहाँ से, इसके बाद नेक्स्ट फोर सेंटेंसेस हम लोग के इसी पर ही बेस्ड है. ओके तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है इसमें ये वाली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज टू, जिसमें क्या करना है, सो एंड सो इज गिवन एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू टू एंड टू. दोनों ही तरह के आते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक चीज पढ़ोगे एक चीज नहीं पढ़ोगे, इसमें दोनों ही चीजें आती हैं. फर्स्ट इज ही सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी टेकन इन बाय यू. तो ही इज सो क्लेवर, सो विल चेंज इनटू टू, ही इज टू क्लेवर. ठीक, ये भी हट जाएगा. अब ये रिमूव करना है और ये रिमूव करना है, तो इट विल बी ही इज सो क्लेवर, ही इज टू क्लेवर टू बी टेकन इन. यहां से शुरू करो, बी टेकन इन बाय यू. ठीक, फिर से पढ़ते हैं. ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी टेकन इन बाय यू. ही इज, ये ही है, कुछ उल्टा खोटा मत समझना, राइटिंग ही ऐसी है मेरी. ही इज टू क्लेवर टू बी टेकन इन बाय यू. ओके, देन नेक्स्ट इज आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट गो ऑन अ जर्नी द नेक्स्ट डे. आई वॉज टू टायर्ड, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा. आई वॉज टू टायर्ड टू गो ऑन अ जर्नी. आई वॉज टू नॉट, देखो हट जाएगा. क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में होता है. जब आप उसको नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करते हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मेरे कौन से होते हैं, जो मेरे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. ओके, जब आप इनको अफर्मेटिव में चेंज करते हो, इट वॉज आई वॉज टू टायर्ड टू बी टू गो ऑन अ जर्नी द नेक्स्ट डे. जितना उसमें है वो वैसे ही रहेगा एज इट इज. ठीक, फिर नेक्स्ट वाला, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट. द क्वेश्चन, फिर इसमें से ये हटा दो, ये वाला हटा दो और ये हटा दो. द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, इट इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड, टू बी सॉल्व्ड, या फिर इट इज टू डिफिकल्ट, इट द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट. ठीक, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड. उसके बाद आफ्टर, ये सारे थ्री हो गए. नेक्स्ट कम्स इसी का ही एक और पार्ट है, देन दो और क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं. कैसे इसमें हम लोग करेंगे, ये लास्ट वाला, फोर्थ वाला है, थर्ड वाला तक हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, द कोट इज सो, द कोट, दिस कोट इज सो लूज दैट इट कैन नॉट फिट प्रॉपरली फिट यू. दिस कोट, सो दैट को हटा दोगे, दिस कोट इज टू लूज, टू इट कैन नॉट प्रॉपरली फिट यू, कैन नॉट भी हट जाएगा, टू प्रॉपरली फिट यू. ठीक, टू एंड टू वाले कंपेरेटिवली इजी होते हैं, सो दैट से. अब इसके बाद आते हैं मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन. एक मेरा 2020 का आया था, आईएससी 2020 का जो बोर्ड का पेपर था. ठीक है, ये उसी का ही पार्ट है. तो 2020 और 2019 का पेपर आया था, एक हम बता दे रहे हैं, दिस वन इज योर होमवर्क एंड दिस यू विल मेंशन इट इन द
कमेंट बॉक्स हमको बताओगे इसमें, और अगर ये सही हुआ तो यू विल गेट अ कौन सा इमोजी हम उसमें बना करके देंगे. अगर ये सही होता है, अगर जो भी आपका आंसर है वो इसमें सही होता है तो यू विल गेट अ ब्लेस यू, और अगर ये करेक्ट होता है, अगर ये रॉन्ग होता है तो यू विल गेट अ रीचेक. ठीक, दोनों में से जो भी आपके सही होंगे तो इसको हमको, ये वाला जो सेकंड वाला है ये आप हमको करके दोगे, ये हम आपको सॉल्व करके देंगे. फर्स्ट इज ही सो टॉल दैट ही कैन नॉट एंटर थ्रू दिस डोर. ही इज टू टॉल, ही इज टू टॉल टू एंटर. थ्रू दिस डोर. ओके, क्या लिखा है? ही इज सो टॉल दैट ही कैन नॉट एंटर थ्रू दिस डोर. और आपको क्या क्या यूज करना है? टू यूज करना है. आईएससी का एक क्लास 12th का ये वाला पेपर है, कंफ्यूज मत होना, मैंने ये 10वीं कक्षा का पेपर नहीं उठाया है. वैसे ये जो सेशन है ये क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ही इज टू टॉल दैट ही कैन नॉट एंटर थ्रू दिस डोर. ही इज सो टॉल दैट ही कैन नॉट एंटर थ्रू दिस डोर. ही इज टू टॉल टू एंटर थ्रू दिस डोर. ओके, अब ये वाला आप करोगे खुद से. ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रिमेंबर इवेंट्स ऑफ द पास्ट, एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू अगेन टू एंड टू. ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रिमेंबर द इवेंट्स ऑफ द पास्ट. तो ये हटा करके ये जो सो एंड दैट लिखा हुआ है यहाँ पर, सो दैट और ये, इसको हटा करके यू हैव टू चेंज इट इनटू टू एंड टू, और इसको करो और हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करो. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. ये सेशन अगर आपने पूरा देखा है, क्वेश्चंस अपने पास से लेकर के सॉल्व किए हैं, तो यू विल गेट एटलीस्ट 1 मार्क. 1 मार्क्स आपका जो एग्जाम होंगे, जो फाइनल एग्जाम्स होंगे, उसमें पक्का हो जाएगा अगर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, क्योंकि अभी स्पेसिमेन पेपर्स नहीं आए हैं. एंड टिल देन just keep sharing the video to your friends, to your best friends, and if you have liked the video, please subscribe to my channel for the more videos that are coming soon. Thank you.